चलिए डियर रसगुल्ले, आप लोग को कल होमवर्क दिया गया था लेकिन बना नहीं पाया। कोई बात नहीं है, गरम गरम पूरी खिलाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि कैसे होमवर्क नहीं किया जाता है। चलो हलवा खिला के बताते हैं बाबू, समझ में आ रहा है तुरे है? एक होमवर्क नहीं बना पाया, ये कौन चीज है? देखो यहाँ समी के नंबर 3 नंबर का सवाल था, कल होमवर्क दिया गया था। देखिए बनाइए, 3x - y 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर 3। समीकरण नंबर 1, दूसरा है 9x - 3y = 9, समीकरण नंबर 2। बोले कोई वैसा समीकरण को हल करो जिसमें कि तुमको आसान लगे, बताए थे। और यह है प्रतिस्थापन विधि, प्रति अरे वो वाला प्रति नहीं रे बाबू, ई वाला प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ना कि वह प्रति पे जाके बैठ के रगड़ना है। हैं, ये पुष्पा वाला डायलॉग मत देना बाबू, डायलॉग पुष्पा, देखो बाबू पुष्पा नहीं है ये, पुष्पा की तरह तुम लोग सवाल बना रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं समीकरण 1 को हल करते हैं, जो कि लगता है थोड़ा बहुत सरल समीकरण है। लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3। ये माइनस में, उधर प्लस में, ये प्लस में, इधर माइनस में, लिखते हैं 3x - 3 = y। सो इसीलिए y = 3x - 3, समीकरण नंबर 3। अब यह y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y = 9। अब बात करते हैं y का मान रखना, 9x - 3 × x का y का मान है 3x - 3 = 9। 9x - 3 = 9x, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 3 × 9 = 9। प्लस में माइनस में कट जाएगा, ई पार ऊ पार कट जाएगा, 0 = 0। इसका मतलब है यह अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल का समीकरण अगर रहेगा तो वह जो है ना ही x का मान निकलेगा ना ही y का मान निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए तुम लोगों को होमवर्क नहीं बन पाया, हमको भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था, तो इसीलिए यह अनंत अनेक हल है, ठीक है, आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो चापत्ति नंबर 4 नंबर का भी होमवर्क नहीं किए थे, चलिए कर देते हैं, थोड़ा 4 नंबर का भी सवाल देख लो। 4 नंबर में यह अनंत अनेक हल होगा बाबू, ठीक ना। देखिए अब आते हैं समीकरण नंबर 4, 0.5x + 0.8y = 3.4, यही ना, यह समीकरण को हल करना है। दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में दस। चलिए यह समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं, तो हल करने के बाद लघुत्तम आएगा 10, कट जाएगा तो 5x + 8y, अरे भैया 10 10 कट जाएगा क्या हो जाएगा, वही ना, = 34/10, बट्टे में है, यहाँ भी बट्टे में, कैंसिल आउट, क्या बचा, 5x + 8y = 34, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मतलब साफ सुथरा कर लिया मैंने, ठीक है, अगर साफ सुथरा नहीं करेगा ना तो समीकरण में मजा नहीं आएगा बनाने में, पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 2 को भी क्लियर करते हैं। 2 नंबर समीकरण क्या है कि 0.6x - 0.3y = 0.3। अब इसको हल करते हैं, दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में दस पाएंगे, क्योंकि अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 10 10 का एलसीएम 10 होगा, यह बस कट जाएगा, 6x बचेगा, माइनस बस कट जाएगा, 3y बचेगा, = 3/10 होगा, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा,
6x माइनस 3y इक्वल टू 3। इसमें से कुछ कॉमन भी मिलता है, 3 कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लो, और कॉमन मिलता है तो ले लो, पैसा मिलता है तो ले लो, सड़क पे पैसा नहीं है जो मिल जाएगा तो ले लेगा, ले लेना बाबू कोई बात नहीं, थोड़ा बुरी बात होगा। 3 कॉमन लो, 3 गुना 6x माइनस वाई, 3 तो बाहर निकाल लिए बराबर 3, कैंसिल आउट एक मरतबे में 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2, यही लगता है हमको समीकरण सस्ता है। अगर यह समीकरण सस्ता है तो सस्ता तो बना ले, तो कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। ये माइनस में उधर प्लस में, ये प्लस में उधर माइनस में आएगा, 2x माइनस 1 बराबर वाई। स्वागत है श्रीमान y इक्वल टू आपको 2x माइनस 1 में, समीकरण नंबर 3 में। यहां तक में किसी को आपत्ति होगा तो जरा बोलना, और यह मैथ को धजिया बनाने के लिए या भौजिया बनाने के लिए धन्यवाद, ध्यान दो। अब आते हैं y का मान इसमें रख देते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो 5x प्लस 8y बराबर 34। भुजिया भात, देखो ध्यान से, यहां 5x प्लस 8 गुना y का मान बोलो 2x माइनस 1 इजकल टू 34, सही है क्या? हाँ सही है दोस्त। लिखो 5x प्लस 8 गुना 16, x माइनस 8 गुना माइनस 1 तो 8, माइनस 8 बराबर 34। चलो अब लिखते हैं 5x प्लस 16 एक्स बराबर माइनस में प्लस में, तो 34 प्लस 8 तो 16 5 21, एक्स इजकल टू 34 8 42। ये दो गुना मेरे को मिलेगा भागा में, तो 42 बटे 21 कटेगा दो मरतबे, तो एक्स बराबर कितना आया 2। एक्स बराबर कितना आ गया है अभी तक में 2 आया है। अब बात करते हैं थोड़ा इसको मिटा के, ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा प्यार से इसको मिटा देते हैं बाबू, ताकि मान निकालने में मजा आए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो देखो, लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 3 में बैठाओ, लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 1, और x का मान मेरे पास कितना है रे मेरे बच्चों, 2 और माइनस 1, 2 गुना 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3। स्वागत है श्रीमान आपको आंसर में x बराबर और y बराबर, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, उठा के पटक के आंसर। धन्यवाद मित्रों, और यह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट है, और इंटर का नया बैच स्टार्ट है, धका धक चल रहा है, जल्दी आके नामांकन कर लो। धन्यवाद मित्रों।